So friends, now let us start with the next question. That is question number 2. ये है estimated cost sheet वाला, right? Question 2. Electronics Limited furnished the following information for 10,000 CTV tubes manufactured during the year 2020. Company का नाम Electronics Limited. प्रोडक्ट का नाम सीटीवी ट्यूब्स मैन्युफैक्चर 10,000 सीटीवी ट्यूब्स मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी हमारा 10,000 है ड्यूरिंग द ईयर 2020. मटेरियल कॉस्ट 90,000, वेजेस 60,000, पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स 12,000. मटेरियल कॉस्ट 90,000 विल कम अंडर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस 60,000 विल कम अंडर डायरेक्ट वेजेस, पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स 12,000 ये बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस 15,000 दिस इज ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री 5,500 दिस इज अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,000 अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्लरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 33,500 ये है ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल, कम ऑन यू टेल मी. क्लेरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, क्लेरिकल है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफकोर्स, तो ये होगा जनरल. सेलिंग एक्सपेंसेस 5,500 दिस विल कम अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 9,500 ये बनेगा फिर से फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने हैं, पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 5 फैक्ट्री ओवरहेड्स है, 1 एडमिन ओवरहेड्स है, 1 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है. द नेट सेलिंग प्राइस वॉज 31.6 पर यूनिट सोल्ड, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, एंड ऑल यूनिट्स वर सोल्ड, All units were sold. भाई बनाए कितने units थे, 10,000. All units were sold means there is no opening stock, no closing stock. All units are sold. Sales quantity is 10,000. Correct? फिर नीचे का paragraph हम अभी नहीं पढ़ेंगे. You are required to prepare cost sheet for the year 2020 showing various elements of cost per unit and वो बी पार्ट बाद में देखेंगे. तो इधर तुमको पूछा है कॉस्ट शीट फॉर 2020 एंड यू हैव टू शो कॉस्ट पर यूनिट आल्सो. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 2, राइट द नेम ऑफ द कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. Cost sheet for CTV tubes for the year 2020, production quantity, sales quantity, ये दोनों भी 10,000 units हैं, right? Since there is no stock. चलो cost sheet का format बनाते हैं. Particulars, inner column, outer column and cost per unit. इसमें ए पार्ट डायरेक्ट कॉस्ट, अंडर डायरेक्ट कॉस्ट द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट इज, यस फ्रेंड्स, वी राइट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड.
विच इज क्लियरली गिवन टू अस 90,000. सेकेंड डायरेक्ट वेजेस 60,000. देर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट. कम ऑन गेट द टोटल. इट्स 1,50,000. देन वी राइट ओवरहेड्स दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसमें जो हमारा पहला ओवरहेड्स कॉस्ट शीट वाइज हमारा थर्ड कॉस्ट होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने गिने थे टोटल 5 है. वी विल लिस्ट द नेम 1 by 1, राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम एंड देन टेक द टोटल इन द आउटर कॉलम. सबसे पहले है पावर एंड कंज्यूमेबल्स. फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस 15,000. लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री 5,500. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 3,000. प्लांट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 9,500. 5 हो गए. प्लीज टेक द टोटल इन द आउटर कॉलम. कितना आता है? ये बन गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000. वी टेक द टोटल. वी गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. और इधर WIP का स्टॉक नहीं है तो जो तुम्हारा ग्रॉस होगा वही तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट माना जाएगा. सो लेट्स राइट हियर नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,95,000. नेट फैक्ट्री के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. वो भी नहीं है. राइट. देर इज नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देर इज नो क्वालिटी कॉस्ट. देर इज नो सेल ऑफ स्क्रैप. राइट. देर इज नो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट. तो यही बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर होता है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. यार वो भी तो नहीं है. तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. रियली सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वन लाख 95,000. इसके बाद हम लेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल. यहां पर एक ही है, यू नो इट, दैट इज क्लरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. चलो लिख देते हैं. अमाउंट इज 33,500. राइट. उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस 5,500 एंड देन वी आर डन. वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. वी विल ऐड प्रॉफिट
टू गेट सेल्स? चलो टेल मी द टोटल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? टू लाख 34,000. सेल्स इज, सेलिंग प्राइस इज गिवन टू अस व्हिच इज 31.6. ये एक यूनिट का है, हमने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं, सो इट विल बी 31.6 इनटू 10,000, 3,16,000. What will be the profit amount? 82,000. So friends, we have written all the amounts given to us and we have made cost sheet for the year 2020. Cost per unit column calculate karna baki hai. So let's do it. Sales units, production units, dono bhi 10,000 hai. So accordingly, what will be the material cost? 90,000 for 10,000 will be 9 per unit. Wages will be 6 per unit. Prime cost 15. Factory overheads 4.5. Net factory cost 19.5. Admin overheads will be 3.35. Selling expense 0.55. Cost of sales will be 23.4. Profit will be 8.2. And this is how we get a selling price of 31.6. I am sure tumko ye 2020 ke cost sheet mein koi doubt nahi hoga. Have a look at it once. और इन केस तुमने नहीं लिखा है एंड यू वांट स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक इट. दो पार्ट में ले लो. दिस वुड बी अ फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट. अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर. जी हां, क्वेश्चन टू खत्म नहीं हुआ है. We have left one paragraph and there is B part of the question as well. Let's read it. As from 1st January 2021, the selling price is reduced to 31. पहले हम 31.6 में बेचे थे, अब selling price होगा 31. It is estimated that production could be increased in 2021 by 50% due to spare capacity. हम कितना बनाते थे पहले? 10,000. अब 50% से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 15,000. यस, इन द नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक 15,000 यूनिट्स. रेट्स ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस विल इंक्रीज बाय 10%. बी पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट फॉर 2021, अज्यूमिंग दैट 15,000 units will be produced and sold during the year and factory overheads will be recovered as a percentage of wages and office and selling expenses as a percentage of works cost. ये कुछ नया है, हम समझेंगे. तो बेटा यहाँ पर जो cost है 2021 में, सब में changes आने वाला है. ऊपर लिखा है your material will cost will increase, your wages cost will increase, and here factory overheads will be recovered as a percentage of wages, office and selling expenses as a percentage of works cost. तो ये सारे जो statements हैं, हमको इसका अच्छे से interpretation करना होगा और हमें estimated cost sheet for 2021 बनाना होगा. तो चलो format तो बनाते पहले. Give the heading estimated cost sheet for the year
2021 प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी हमारा होगा 15,000 यूनिट्स. ओके, बनाओ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पर इनर कॉलम की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन स्किप दैट. So ready with the format? We start with direct cost. इसमें आएगा सबसे पहले raw material consumed. Raw material consumed. ये कितना आएगा? जरा सोचो. So we look at the data of the year 2020. इसमें मटेरियल कॉस्ट था 90,000, एक यूनिट का 9 रुपया. हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, राइट? आई रिपीट, 10,000 यूनिट्स बनाए, 9 रुपया एक यूनिट का था. 90,000 वाज़ द टोटल मटेरियल कॉस्ट. तो जब अगर मैं 15,000 यूनिट्स बनाती हूँ, 15,000 यूनिट्स बनाती हूँ, तो मेरा कितना खर्चा होगा? साथ ही में क्वेश्चन में दिया है कि माय मटेरियल कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, रेट्स ऑफ मटेरियल गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%. तो कितना होगा? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मटेरियल का खर्चा 10% से बढ़ने वाला है. तो यार सिंपल है, बड़ा सिंपल है. क्या 90,000 था, 10% से बढ़ेगा तो 99,000 होगा. ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है. ऐसा क्यों? क्यों बताती हूं. चलो एक मिनट के लिए भूल जाओ कि कोई इंक्रीज दिया है. फॉरगेट दैट देयर इज 10% इंक्रीज, भूल जाओ. जस्ट जो पास्ट प्रीवियस ईयर का डेटा है उसी पर फोकस करो. वहां देखो 10,000 यूनिट्स बनाए, 90,000 का खर्चा था. अगर 15,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो यार मटेरियल का खर्चा तो वैसे भी बढ़ने वाला है. अगर यूनिट्स बढ़ेंगे तो मटेरियल का खर्चा तो बढ़ेगा ही. एक यूनिट का 9 रुपया था, राइट? तो 15,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो 9 रुपया तो वैसे भी होने वाला है. तो 1,35,000 इज एनीवेज गोइंग टू बी माई कॉस्ट, राइट? प्लीज डू नॉट राइट, समझ लो पहले. तो 9 per unit था, मैं 15,000 बनाऊंगी तो 1,35,000 वैसे भी मेरा कॉस्ट होने वाला है, राइट? और अभी ये जो कॉस्ट मैंने निकाला है वो है अज्यूमिंग द प्राइजेस ऑफ प्रीवियस ईयर. माने 9 रुपया था और अभी भी 9 रुपया ही है, राइट? ऐसा मैंने सोचा, पर एक्चुअल में तो ऐसा हुआ नहीं. मटीरियल प्राइजेस हैव गॉन अप बाय 10%. तो 1,35,000 तो होगा ही, ओवर एंड अबाउट दैट देयर विल बी इंक्रीज बाय 10%. तो कितना होगा? इट विल बी 1,48,500. इट विल बी 1,48,500, राइट? तो अगर मुझे इसे इन शॉर्ट में समझाना हो तो मैं हमेशा ऐसे बोलूंगी कि जब भी चेंज दिया है, कॉस्ट बढ़ रहा है कम हो रहा है, जब भी चेंज दिया है तो चेंज क्या है? सोचो वो वेरिएबल कॉस्ट चेंज है या फिक्स कॉस्ट चेंज है. लेट्स राइट दिस.
इफ देर इज चेंज इन कॉस्ट, तो जरा सोचो वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है या चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है सो यू हैव टू ऑल्टर और रादर यू हैव टू चेंज कॉस्ट पर यूनिट, यू हैव टू ऑल्टर द कॉस्ट पर यूनिट। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज है, जैसे मैं बोलती हूँ रेंट 2020 का 1 लाख था, अभी 10% बढ़ने वाला है तो 1 लाख प्लस 10% हो जाएगा, राइट? तो हम टोटल ही चेंज कर देते हैं, वी ऑल्टर टोटल अमाउंट, राइट? आई रिपीट, अगर चेंज इन कॉस्ट है तो चेक करो पहले वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट। अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो ऑल्टर कॉस्ट पर यूनिट, अगर वो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है तो ऑल्टर द टोटल अमाउंट। तो वैसे मटेरियल कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ओके, तो कितना चेंज है? 9 था, 10% बढ़ गया, तो इट विल बी 9.9, इट विल बी 9.9, करेक्ट? 9.9 एक यूनिट का, अगर 15,000 यूनिट्स बनाए तो 148,500 विल बी योर मटेरियल कॉस्ट। कम ऑन, जस्ट लाइक दैट टेल मी व्हाट विल बी फॉर डायरेक्ट लेबर। प्रीवियस ईयर का लेबर कॉस्ट था 6 एंड दिस रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%, यानी 6.6 हो जाएगा पर यूनिट। 6.6, 15,000 का कितना? इट विल बी 99,000। कम ऑन, टेक द टोटल, एंड गेट द प्राइम कॉस्ट। $247,500, 16.5। तो ये हुआ हमारा प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहला आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, इसके बारे में कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं दिया है, पर मेंशन किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, राइट? इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन रेट। जब हम एब्जॉर्प्शन चैप्टर में जाएंगे तो इसका रियल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझेंगे। फिलहाल मान लो कि एब्जॉर्प्शन रेट है। हाँ, सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट 1। Absorption rates, हम पहला absorption rate निकाल रहे हैं factory overheads का, और उसके लिए बोला है it is recovered as percentage of wages, मतलब factory overheads will be percentage of wages. So what will be that percent? So we will work out like this: factory overheads amount divided by direct wages amount into 100. Obviously हम 2020 का डेटा देखेंगे। Factory overheads कितना था? 45,000. Labor कितना था? 60,000. So 45,000 अपॉन 60,000 इन 200 कितना परसेंटेज आता है?
75%, राइट? तो इसका मतलब मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा इट विल बी 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ वेजेस. माय फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ वेजेस, राइट? तो चलो कॉस्ट शीट में जाते हैं और देखते हैं हमारा वेजेस कितना है 2021 का. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 2021 का कितना होगा? इट विल बी 75% ऑफ 99,000, क्योंकि वेजेस कितना है 99,000 2021 का. यू गेट हाउ मच? 74,250. और एक यूनिट का निकालो, डिवाइड बाय 15,000 करके यू गेट 4.95. ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस इज नथिंग बट योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और यू कैन कॉल इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन कॉल इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? क्योंकि इधर फिनिश गुड्स का स्टॉक भी नहीं है. प्लीज गेट द टोटल. ₹3,21,750, 21.45. तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. उसके बाद लेने हमें क्लेरिकल सैलरीज एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड्स, राइट? ये दोनों के लिए क्या बोला है? ये दोनों के लिए बोला है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, राइट? सो वी गो बैक टू दैट एब्जॉर्प्शन रेट वाला वर्किंग नोट. वी आर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन रेट फॉर एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स टूगेदर. तुम चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो. सो दिस ओवरहेड्स, इट इज परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट. सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस परसेंटेज? इट विल बी एडमिन ओवरहेड्स प्लस सेलिंग ओवरहेड्स टुगेदर divided by works cost into 100. Kitna tha 2020 ka admin overheads? It was 33,500. Selling overheads 5,500. Your factory cost was 1,95,000. Into 100, you get 20%. तो दोनों मिलाकर 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है. Therefore, office and admin overheads and selling overheads together is 20% of factory cost. Right? 20% of factory cost. तो फिर से चले जाओ तुम्हारे cost sheet में. Go back to your cost sheet and calculate the amount of admin overheads and selling overheads. Admin overheads, selling overheads, together it is 20% of factory cost, that is 321,750. Ye hai tumhara works cost, factory cost, right?
64,350। यस फ्रेंड्स, 64,350। सो व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स? थ्री एटी सिक्स वन हंड्रेड, 25.74 कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। वी एड प्रॉफिट टू गेट द फिगर ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी नो द सेलिंग प्राइस स्टार्ट में ही दिया था। इन 21 द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 31 पर यूनिट, तो हम यहां पर 31 लेंगे। 31 इंटू 15,000 इट सोल्ड, वी गेट 4,65,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 78,900, विच अमाउंट्स टू 5.26 पर यूनिट। सो दिस इज हाउ वी हैव मेड द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। बेटा, इसमें कॉस्ट शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट इसमें जो एस्टिमेटेड डेटा को कैलकुलेट करना है, जो इंटरप्रीट करना है, जो चेंजेस दिए हैं उस पर फोकस करना, बिकॉज दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं उसे एक और बार रिपीट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट दे रखा था उसमें चेंजेस था, बोला था 10% इंक्रीज है। तो अगर चेंज दिया है, अगर चेंज दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे चेंज इन कॉस्ट है तो वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अगर वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है तो वी विल ऑल्टर कॉस्ट पर यूनिट, और अगर वो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट है वी विल चेंज द टोटल अमाउंट। जैसे इधर मटेरियल और लेबर दोनों भी वेरिएबल था, तो 9 का 9.9 हुआ और 6 का 6.6 हुआ। ओके, देन बात करते हैं ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं दिया था, बट बोला था कि दीज ओवरहेड्स विल बी रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ समथिंग, तो वी नीड टू कैलकुलेट दोस परसेंटेजेस। अब ऑब्वियसली ये जो परसेंटेजेस निकाले हमने, हमारे लिए कोई और बेस नहीं बट 2020 ही बेस होगा। तो ऑलवेज राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एब्जॉर्प्शन रेट इट विल बी कैलकुलेटेड using budgeted data. It will be calculated using budgeted data. हमारे पास कोई data नहीं है, so we write we have used your 2020's data. We have used 2020's data. Absorption rate हमें budgeted data use करना है, पर data तो कोई दिया नहीं है absorption rate calculate करने के लिए, तो हमने 2020 का था वही माना, इसको वही budgeted होगा। जैसे एक बात समझो, factory overheads कितना हुआ था last year, 74,250। अब ये साल कितना होगा, अरे ये साल कितना होगा वो तो पता नहीं है, तो हम मानेंगे कि इसके आजू बाजू ही होगा ना, राइट। 74,250 हुआ था समवेयर नियर बाय प्लस माइनस, राइट। तो जो हमारा 2020 का डेटा है वही बेस बन जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए फॉर द ईयर 2021। तो बिकॉज बजटेड डेटा स्पेसिफिकली इज नॉट गिवन, वी यूज द डेटा ऑफ 2020। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाला एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस, एडमिन एंड सेलिंग निकाला एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, एंड दिस इज हाउ वी मेक द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि चेंजेस इन कॉस्ट को कैसे टैकल करते हैं, और साथ ही में एब्जॉर्प्शन रेट जो भी परसेंटेज दिया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने दो सम्स किए अब तक, बट दोनों सम्स काफी हटके थे। क्वेश्चन नंबर वन पूरा रिवर्स गए थे, क्वेश्चन नंबर टू इसमें हमने चेंजेस और एब्जॉर्प्शन रेट्स के बारे में सीखा। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री।
अब ये भी थोड़ा अलग सम है. यू हैव मेंशन राइट, दिस इज बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. दिस इज बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. लेट्स रीड इट. क्वेश्चन काफी छोटा है पर दिखावे पे मत जाओ. यू नो लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव. A factory manufactures uniform type of article and has a capacity of 4,000 units per week. एक फैक्ट्री एक टाइप का आर्टिकल एक हफ्ते में 4,000 बना सकती है. कैपेसिटी 4,000 की है. The following information shows different elements of cost for three consecutive weeks when output has changed every week. तीन हफ्ते का डेटा दिया है और हर हफ्ते हमने पूरा 4,000 यूज नहीं किया तो कितना बनाया. एक हफ्ते में 2,000 बनाया, दूसरे हफ्ते में 2,800, थर्ड वीक में 3,700. तो दिस इज द यूनिट्स दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस इन द पास्ट 3 वीक्स. और ये यूनिट्स के लिए ये मटेरियल कॉस्ट है. लेबर कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया है. आगे लिखा है द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 5,000 यूनिट्स एंड इट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3 ऑन द सेलिंग प्राइस. फाइंड आउट द प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी सोल्ड. मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला है 5,000 यूनिट्स का, उस पर प्रॉफिट चार्ज करना है 16 2/3 ऑन सेलिंग प्राइस. कितने में बेचना चाहिए, दिस इज वॉट यू हैव टू कैलकुलेट. 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर है तो कैसे कैलकुलेट होगा. ऑब्वियसली हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेल्स. राइट, तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा. इफ यू रीड द क्वेश्चन, भाई तीन ही कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. दिस कॉस्ट विल बी इनकर्ड फॉर द 5,000 दैट वी मेक. राइट, पर ये जो कॉस्ट दे रखा है वो तीन हफ्ते के लिए 2,000, 2,800, 3,700 यूनिट्स के लिए दे रखा है. हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ 5,000, तो कैसे निकाले. वी विल हैव टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दिस कॉस्ट. कैसे, सबसे पहले देखो मटेरियल. 2,000 यूनिट्स बनाए तो 12,000 का खर्चा, 2,800 बनाए तो 16,800 का खर्चा, 3,700 बनाए तो 22,500 का खर्चा. यार बताओ ये मटेरियल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, ये मटेरियल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है. तुम बोलोगे बिहेवियर क्या है, हमको नहीं पता कैसे क्या है, कैसे पहचानने का. तो अगर तुम ऐसे स्टेज पे हो तो यार गुस्सा आएगा मेरे को, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात. ये सब कुछ मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया है तुमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में, मैंने सिखाया है तुमको इंट्रोडक्शन चैप्टर में. राइट, स्टेप्स भी लिखवाए हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर. उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इज इट फिक्स्ड. तो चलो मैं लिखती हूं इधर, ये वर्किंग नोट एग्जाम में नहीं बनाना है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वीक 1, 2, 3 बोलो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए. वी मेड 2,000 यूनिट्स इन वीक 1, 2,800 यूनिट्स इन वीक 2, 3,700 यूनिट्स इन वीक 3. और इसके लिए मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, 12,000, 16,800, 22,200. ये हमारा मटेरियल कॉस्ट हुआ. अब ऑब्वियसली देखने से पता चलता है कि ये फिक्स तो नहीं है बिकॉज टोटल अमाउंट इज डिफरेंट. अगर तीनों जगह टोटल सेम होता तो वो फिक्स्ड होता, ये फिक्स तो नहीं है. तो सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज इट वेरिएबल, क्या ये वेरिएबल है. तो मुझे कॉस्ट पर यूनिट चेक करना होगा. वीक वन में 2,000 के लिए 12,000 कॉस्ट है, सो पर यूनिट कम्स टू 6. वीक टू में 16,800 कॉस्ट है, पर यूनिट कम्स टू 6. वीक थ्री में 22,200 डिवाइड बाई 3,700 कम्स टू 6. यार तीनों में कॉस्ट पर यूनिट 6 है, कॉन्स्टेंट है. तो डेफिनेटली इट शोज दैट द बिहेवियर ऑफ दिस कॉस्ट इज वेरिएबल. राइट, यू मस्ट नोट दिस. अगर तुमको ओरली पता चल जाता है तो नथिंग लाइक दिस. एग्जाम में तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, यू डोंट हैव टू राइट दिस.
please write down the conclusion. Since cost per unit is constant, material is variable cost. Material is variable cost and its cost per unit is 6. वीक वन वीक टू वीक थ्री हमने जो भी बनाया हर एक के लिए 6 पर यूनिट हुआ, तो जब आगे भी 5000 बनाएंगे उसके लिए भी 6 पर यूनिट ही होगा. सिमिलरली लेट्स वर्क इट आउट फॉर लेबर. आई होप यू हैव नोटेड दिस. वर्किंग नोट टू फॉर लेबर. लेबर भी देखो 6000 8411 100, ये भी फिक्स नहीं दिखता है, तो हम इसका पर यूनिट चेक करेंगे टू नो वेदर इट्स वेरिएबल और नॉट. लेट्स राइट इट. मैंने ना उल्टा लिख दिया. इधर यूनिट्स लिखो 2000 2800 3700 लेबर कॉस्ट इज 6000 8400 11100. कम ऑन कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. थ्री यार तीनों में जगह 3 आ रहा है. तो व्हाट डू यू कंक्लूड? जस्ट लाइक मटेरियल दिस इज आल्सो वेरिएबल कॉस्ट राइट. सो सिंस cost per unit is constant, labor is variable cost and its cost per unit is 3. वीक वन वीक टू वीक थ्री हमने जो भी बनाया सबके लिए 3 पर यूनिट हुआ, तो आगे भी जब 5000 बनाएंगे उसके लिए भी 3 पर यूनिट ही होगा. नाउ मटीरियल हो गया, लेबर हो गया, अब तीसरा खर्चा दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. चलो इसका क्या सीन है देखते हैं. वर्किंग नोट 3, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स डेफिनेटली फिक्स तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सब जगह अमाउंट अलग अलग है, तो क्या ये वेरिएबल है? लेट्स चेक इट आउट. यूनिट्स 2000 2800 3700 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 12500 16500 21000. What is the cost per unit that you get? 6.25 5.89 5.67 something. क्या कंक्लूड करेंगे बोलो? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? नॉट एट ऑल.
तो ये ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है, तो मैं क्या बोलूं? सिंस इट इज नीदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल। करेक्ट फ्रेंड्स, ये फिक्स भी नहीं वेरिएबल भी नहीं है, तो ये सेमी वेरिएबल हुआ। अब अगर ये सेमी वेरिएबल है तो मुझे ये जानना है कि इसमें से कितना हिस्सा फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। सी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल होता है, तो कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट। बाइफिकेशन करना होगा, गिव द हेडिंग बाइफिकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके तीन स्टेप्स थे अगर तुमको याद हो तो। स्टेप वन, वी फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वी फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। Take any 2 weeks into consideration. Let's take week 1 to 16,500 minus 12,500 divided by 2,800 minus 2,000. 4,000 divided by 800. What do you get? 5 per unit. Right? तो ये हुआ मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप टू, वेरिएबल कॉस्ट होने के बाद लेट अस फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी वन वीक। आई एम कंसिडरिंग वीक वन। आई मेड 2,000 यूनिट्स इन वीक वन इनटू 5 पर यूनिट, इट गिव्स मी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज। आखिरी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट दैट आई हैव इनकर्ड इन वीक वन इज हाउ मच, इट इज 12,500। उसमें से मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10,000 एज आई हैव गॉट इन स्टेप टू। तो जो बैलेंस बचा वो होगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 2,500। सो दिस इज हाउ वी बाइफर्केट। हमें मिल गया फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 2,500 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज 5 पर यूनिट, एंड दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स पार्टली वेरिएबल है पार्टली फिक्स्ड है। वेरिएबल पार्ट है 5 पर यूनिट और फिक्स्ड है 2,500 फॉर द वीक, राइट? तो अब हमें तीनों भी कॉस्ट का बिहेवियर समझ गया, राइट? तुम जो भी यूनिट्स बनाओगे उसके लिए मटेरियल कॉस्ट होगा 6 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट होगा 3 पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा वेरिएबल फिक्स दोनों, वेरिएबल होगा 5 पर यूनिट और फिक्स्ड होगा 2,500, ठीक है? प्लीज नोट दिस वर्किंग नोट 3 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स दैट दे हैव आस्क्ड। ओके, चलो गिव द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस। हम सेल्स निकालेंगे, एंडिंग में 5,000 से डिवाइड करेंगे टू गेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, दिस वुड बी आर अप्रोच। पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस।
कम ऑन फ्रेंड्स, टेल मी. सबसे पहले हमारा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. देखो यहाँ पर तीन ही कॉस्ट है तो हम पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहे हैं. मटेरियल कॉस्ट इज 6 पर यूनिट, तो 6 इनटू द 5000 यूनिट्स दैट वी हैव मेड 30,000, राइट. नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर. Which is 3 per unit, right? 15,000 आएगा. फिर बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की. इसमें वेरिएबल हिस्सा, the variable part that we have worked out is how much friends, it is 5 per unit. So 5000 units that we make into 5, 25,000, correct. Fixed kitna hoga, I am sure sab log bolenge 2500. Yaar wo to hai, but baat aisi hai na ke the units that we are going to make is 5000 units, है ना. और हमारे production capacity जो है एक week की is limited to 4000 only. हम एक हफ्ते में सिर्फ 4000 units ही बना सकते, उससे ज्यादा नहीं. तो 5000 units बनाने के लिए कितना time जाएगा? Obviously more than a week. Obviously more than a week. So my fixed cost will be definitely there for week one, 2500. But my production is not completed in week one, it goes to week two as well. Par week two ka kitna? Week two ka kitna? So ab इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, अच्छे से समझना. वर्किंग नोट 4 फॉर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर वीक 2. ये वीक 2 के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है. समझो the total units that we are going to make is 5000, right. hum 5000 units banane wale hain. ab wo production kis tarah hoga? week 1 mein hum 4000 units bana lenge, week 1 mein hum 4000 units bana lenge kyunki utna capacity hai, pura use kar lenge. फिर वीक टू में हम बैलेंस प्रोडक्शन करेंगे. बैलेंस कितना होता है? 1000 यूनिट्स. तो इस तरह हमारा प्रोडक्शन होगा 5000 का, पहले हफ्ते 4000, दूसरे हफ्ते बैलेंस 1000. अब वीक वन का तो नो डाउट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, योर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी 2500 रुपीज विदाउट एनी डाउट. बट वीक टू का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा? क्या पूरा 2500 होगा ये 1000 के लिए, या फिर पार्शियली लेना पड़ेगा? क्योंकि हम 4000 जो कैपेसिटी है हर हफ्ते का, उसमें से 1000 ही तो यूज कर रहे हैं. क्या होगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू अज्यूम. सोचो सेकेंड वीक का, जरा सोचो. सेकेंड वीक की कैपेसिटी 4000 है, हर वीक की कैपेसिटी 4000 है, सेकेंड वीक की कैपेसिटी भी 4000 है. उस 4000 में से मैं 1000 यूज कर रही हूं, राइट. और वो 3000 कैपेसिटी का क्या होता है? मान लो कोई और ऑर्डर मिलता ही नहीं है, देयर इज नो अदर ऑर्डर. सो इफ 1000 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड
इन वीक टू एंड देर इज नो अदर ऑर्डर, कोई और काम मिला ही नहीं, कोई और काम मिला ही नहीं, तो जो वीक टू का 2500 है पूरा का पूरा खर्चा इसी में चार्ज कर देना पड़ेगा. सो इन दैट केस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी फुल्ली चार्ज टू दिस 1000 यूनिट्स. बराबर, पूरा 2500 खर्चा ये 1000 को ही बेयर करना पड़ेगा. फिर से एक बार सिचुएशन बता रही हूं, वीक टू चल रहा है, वीक टू का कैपेसिटी 4000 है, हमने 1000 बनाया, बाकी का कैपेसिटी के लिए कोई ऑर्डर ऑर्डर मिला ही नहीं, तो सिर्फ ये 1000 ही बनाया और कुछ किया ही नहीं, तो जो भी खर्चा है वीक टू का पूरा ये 1000 से ही रिकवर कर लेंगे, दैट इज 2500. पर सिचुएशन अगर कुछ और हो, जैसे इफ 1000 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड इन वीक टू, जैसे हम बना रहे हैं, एंड देर इज अदर ऑर्डर, दूसरा कोई और 3000 का काम मिला, 4000 कैपेसिटी है, 1000 हमारे यूनिट्स, 3000 का कोई और कैपेसिटी मिला, तो हम फिक्स कॉस्ट रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, राइट? देयरफॉर इन दिस केस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट वी विल टेक इज 2500 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट्स, राइट? ये ऑर्डर 4000 में से 1000 यूनिट यूज कर रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी उसी प्रोपोर्शन में लिया जाएगा. देख लो कितना आता है, 625 रुपीस. यानी वीक टू में सिर्फ हमारा ही ऑर्डर है तो पूरा खर्चा हमारा, अरे हमारा नहीं दूसरा भी ऑर्डर है तो हमको सिर्फ पार्शियल लेना होगा, विच इज 625 रुपीस. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस इन वीक टू. ओके, तो हम जो सेलिंग प्राइस है वो एक अजम्पशन पर निकालेंगे. चलो लेट्स अज्यूम दैट देयर इज नो अदर ऑर्डर, कोई और ऑर्डर है ही नहीं. स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5000 यूनिट्स, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर ऑर्डर इन वीक टू, कोई और ऑर्डर है ही नहीं. क्या हम दूसरा अजम्पशन ले सकते हैं? बिल्कुल. क्या ICICI करेक्ट देगा? जी हाँ, राइट? सो वी टेक फुल 2500 एंड वी गेट 5000, राइट? ये 2500 अंदर लिखना था. अगर तुमने बाहर लिखा है तो भी चलेगा, फिर टोटल मत लिखना, दैट्स इट. 5000 पर यूनिट कितना आ जाता है भाई? 1 रुपया. दैट्स इट, सारे खर्चे मिल गए. गेट द टोटल कॉस्ट, कितना है टोटल कॉस्ट? $75,000 इज द टोटल कॉस्ट. 15 पर यूनिट आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट. एड प्रॉफिट टू गेट द सेल्स. प्रॉफिट बोला है कितना? इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन. 16 2/3 ऑन सेलिंग प्राइस. यानी अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट विल बी 16 2/3. तो कॉस्ट विल बी हाउ मच? 16 2/3 मतलब 16.6666. 100 माइनस 16.6666 करो, यू गेट 83 1/3,
राइट, यू गेट 83 वन थर्ड एज योर कॉस्ट. हम रिवर्स जा रहे हैं. इफ योर सेल्स इज 100, प्रॉफिट विल बी 16 टू थर्ड, कॉस्ट विल बी 83 वन थर्ड. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम मुझे सेल्स फिगर दे दो, प्रॉफिट फिगर दे दो. यू गेट 90,000. प्रॉफिट विल बी 15,000. पर यूनिट डिटेल्स भी निकालना है इधर, 18 पर यूनिट. प्रॉफिट विल बी 3 पर यूनिट. दैट्स इट. तो ये हमने कर दिया कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज 18. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स. चलो इसे नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो. स्टार्टिंग से सम दिखा देती हूँ एक बार, वर्किंग नोट 1 और 2. पहले हमने मटेरियल और लेबर का कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का एनालिसिस किया तो पता चला वो सेमी वेरिएबल है, तो फिर उसका ब्रेकअप किया, पता चला वेरिएबल 5 है और फिक्स 2500 है, और फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला. यहां पर जो वीक 2 है राइट, उसका फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए ये वर्किंग नोट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो एक और हटके सम हमने किया है कॉस्ट शीट में भाई, है ना. कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1 रिवर्स वाला था, क्वेश्चन नंबर 2 एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा बिहेवियर बेस्ड था. अब आगे क्या, अब आगे है 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट. राइट फ्रेंड्स, 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट एक ही साथ हम बनाएंगे, 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट कैसे देखते हैं. सो कम ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. ये है 2 प्रोडक्ट्स का कॉस्ट शीट, अ वंडरफुल सम, ये एग्जाम में आ सकता है. चलो रीड करते हैं क्वेश्चन 4. एक्स एंड वाई शूज पॉलिश कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन 1 सैनिट साइज ऑफ 10, रिटेलिंग एट 1.08 एंड 1.2 पर यूनिट. एक्स एंड वाई शू पॉलिश कंपनी एक कंपनी का नाम है. ये कंपनी 2 टाइप के पॉलिश बनाती है, ब्लैक पॉलिश एंड ब्राउन पॉलिश. बट जब बेचती है तो डब्बा जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज का होता है, ठीक है. रिटेलिंग एट यानी ये जो टिन में यू नो पॉलिश भर के बेचा जाता है उसका सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस है. फॉर ब्लैक पॉलिश इट इज 1.08 एंड फॉर ब्राउन पॉलिश इट इज 1.2. ये है सेलिंग प्राइस. ओके, आगे लिखा है फॉलोइंग डेटा आर सप्लाइड टू यू. पॉलिश बनाने के लिए पहले तो मटेरियल चाहिए पॉलिश विच कॉस्ट 7,38,000, और फिर उस पॉलिश को डब्बे में भरने के लिए टिन्स चाहिए. टिन्स इज नथिंग बट द डब्बा, राइट. 2,88,000. अभी ये जो 7,38,000, 2,88,000 दिया है वो कौन से पॉलिश का है, ब्लैक पॉलिश का है कि ब्राउन पॉलिश का है, वो तो नहीं दिया. तो क्या माने इसको, ये है टोटल यानी ब्लैक का प्लस ब्राउन का. इनफैक्ट सारे कॉस्ट ब्लैक ब्राउन दोनों के टोटल दिए हैं. पर जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो अलग अलग बेचते हैं ना, तो कॉस्ट शीट भी इन दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट भी अलग अलग लाना पड़ेगा. वो लोग ने दिया है टोटल कितना ब्राउन का है कितना ब्लैक का है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा. लेट्स रीड फर्दर. वेजेस 244,800, अगेन टोटल ऑफ बोथ. प्रोडक्शन ओवरहेड्स 367,200, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स 122,400, दोनों का टोटल ने कंपनी का दे रखा है. आगे सेल्स फॉर द ईयर वर ब्लैक 14,40,000 टिन्स, हमने 14,40,000 टिन्स हमने बेचे ब्लैक पॉलिश के. 6,00,000 टिन्स ऑफ ब्राउन पॉलिश वी हैव सोल्ड. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ये यूनिट्स दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक इज 48,000, ब्राउन 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक इज 1,08,000 एंड ब्राउन 60,000. हमने इतने यूनिट्स बेचे हैं.
द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन वर वैल्यूड एट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पैसे 80.4. बेटा पैसे 80.4 इज एज गुड एज रुपीज 0.804 एंड पैसे 86.4 पर टिन इज रुपीज 0.864. सो दिस इज द अमाउंट गिवन फॉर वैल्यूइंग योर ओपनिंग स्टॉक. इसका क्या यूज है हम कॉस्टशीट में देखेंगे. आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ मटीरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट ऑफ ब्लैक एंड देर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टिन. वेजेस फॉर ब्राउन आर 8% हायर देन दैट फॉर ब्लैक. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विथ वेजेस. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड. प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर टिन ऑफ ईच पॉलिश. तुमको कॉस्ट और प्रॉफिट हर एक पॉलिश का निकालना है पर टिन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, जस्ट इमेजिन अ रेगुलर कॉस्ट शीट. हम पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, देन वी विल राइट प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी. तो चलो बात करते हैं उसी की. हमको सेल्स क्वांटिटी दिया है यहां पर, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, पर क्या हमको प्रोडक्शन क्वांटिटी पता है? तो चलो स्टेप वाइज जाते हैं. हम कॉस्ट शीट बनाने का विजुलाइज कर रहे हैं तो पता चला प्रोडक्शन क्वांटिटी नहीं है. तो लेट्स मेक दैट फर्स्ट. गिव द हेडिंग. क्वेश्चन नंबर 4. वर्किंग नोट 1. Calculation of production quantity. Calculation of production quantity. Columnar form में working करेंगे. Black polish. ब्राउन पॉलिश. सेल्स क्वांटिटी कितना है? फोर्टीन लाख 40,000 टिन्स एंड 6 लाख टिन्स. माइनस ओपनिंग स्टॉक 48,000, 1,60,000. एड क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000 एंड 60,000. वी गेट द प्रोडक्शन क्वांटिटी. कम ऑन फ्रेंड्स, टेल मी द फिगर ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी. What do you get? ₹14,40,000 - ₹48,000 plus ₹1,08,000. You get ₹15,00,000 as your sales quantity. ₹6,00,000 minus ₹1,60,000 plus ₹60,000. You get ₹5,00,000. This is your production quantity. तो हमें मिल गया प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों भी पॉलिश का. जिसको लॉजिक नहीं पता कि क्यों माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, क्यों ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक, उनके लिए देखो, मुझे 14,40,000 बेचना है ब्लैक पॉलिश का. अगर 14,40,000 बेचना है तो मैं कितना प्रोड्यूस करूं? मेरे को प्रोडक्शन क्वांटिटी पता करना है. 14,40,000 बेचने के लिए मेरे पास उतना होना भी तो चाहिए, बट 14,40,000 बेचने के लिए मेरे पास ना 48,000 पहले का पड़ा है. बिकॉज आई ऑलरेडी हैव 48,000 विथ मी इन द ओपनिंग स्टॉक, मैं उतना कम बनाऊंगी. आई विल सब्ट्रैक्ट ओपनिंग स्टॉक. बट कंपनी को ना ईयर एंड में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रखना है. कितना? 1,08,000. तो आई विल मैन्युफैक्चर दैट मच मोर, राइट? स्टॉक मेंटेन करने के लिए मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, हेंस आई एड द क्लोजिंग स्टॉक,
right? So this is why we subtract opening stock and we add the closing stock, and I get the production quantity of 15 lakhs. Same applies to brown polish. अब हमें production quantity मिल गया. तो let's visualize the cost sheet again. कंपनी का नाम लिखेंगे, प्रोडक्शन क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी मिल गया. अब जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश दोनों का सारा कॉस्ट अलग अलग चाहिए. अरे बट मेरे पास ना दोनों का टोटल ही है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. आई नीड टू बाइफर्केट. तो हाउ डू आई बाइफर्केट? आई विल शो यू हाउ. गिव द हेडिंग वर्किंग नोट टू. Bifurcation of cost. Bifurcation of cost. कैसे करेंगे? मैं एक समझाऊंगी materials का. I am sure बाकी सब तुम अपने आप try कर सकते हो. Particulars. ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश, ये दो कॉलम्स बना लो एंड यू कैन मेक दिस पेज, मेक दिस टेबल फॉर अ पेज. सबसे पहले लेट्स डू द बाइफर्केशन फॉर मटेरियल्स. बट मटेरियल्स दो है, पॉलिश एंड टिन्स. तो पहले हम पॉलिश का लेते हैं, ठीक है? अब बाइफर्केशन के लिए ना वो लोग ने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रखा है. वी हैव टू डू द बाइफर्केशन अकॉर्डिंग टू दैट. लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक. ब्राउन का 10% ज्यादा है. तो इससे ना कोई भी स्टूडेंट यही सोचता है कि अगर इसका 10 रुपीज है ब्लैक का, तो ब्राउन का 10% हायर मतलब 11. आई रिपीट, ऐसे सोचता है कि अगर ब्लैक का 10 रुपीज है, अज्यूम कर रही हूं नंबर, तो इसका 11 रुपया होगा. कैसे? 10 प्लस 10%. That's it. ये रेशो में डिवाइड कर लो 7,38,000 को. अगर ऐसे करोगे तो गलत होगा. बेटा ये सोचना गलत नहीं था कि इसका 10 है इसका 11 है, पर जो तुमने सोचा है, जब सोचा तुमने एक यूनिट का सोचा कि अगर एक का ब्लैक पॉलिश का 10 है तो एक का ब्राउन पॉलिश का 11 होगा. सो वॉट यू हैव थॉट इज कॉस्ट फॉर अ यूनिट. बट अगर ओवरऑल बेसिस पर देखो तो हम ब्लैक के 15 लाख टिन्स बना रहे हैं, हम ब्राउन के 6 लाख टिन्स बना रहे हैं. कैन यू सी दिस? 6 नहीं 5 लाख. ब्लैक के 15 लाख, ब्राउन के 5 लाख. तो ओवरऑल कॉस्टिंग देखो तो ऑब्वियसली ब्लैक का ही ज्यादा होना है क्योंकि उसके यूनिट्स ज्यादा है, राइट? तो जो दिया है 10, 11, ये सही है, बट पर यूनिट. हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा टोटल प्रोडक्शन यूनिट से. ₹15 लाख, ₹5 लाख कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स करने पर तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा. अगर 15 लाख टिन्स बनाती हूं और अगर 10 लाख कॉस्ट, 10 रुपीज कॉस्ट है, तो आई गेट 150 लाख एज द टोटल कॉस्ट, और इधर 55 लाख, करेक्ट? 150 लाख एंड 55 लाख. तो मुझे रेशियो क्या मिलता है? इट इज 150:55. आई गेट द रेशियो 150:55. जो 7,38,000 है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा. आई रिपीट, डू नॉट टेक द रेशियो 10:11. जो तुमने सोचा वो सही सोचा, पर तुमने एक यूनिट का सोचा, बट जो कॉस्ट दे रखा है वो तो सारे यूनिट्स का कॉस्ट दे रखा है, राइट? तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स टू गेट द टोटल कॉस्ट, एंड वी नीड
टोटल कॉस्ट रेशियो फॉर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट. तो चलो लिखते हैं मटेरियल पॉलिश कॉस्ट ऑफ 7,38,000 कितना होगा ब्लैक के लिए ब्राउन के लिए. सेवन लाख थर्टी एट थाउजेंड इंटू 150 डिवाइडेड बाय 205 व्हाट यू गेट 3,78,000 ब्लैक का आएगा. ब्राउन का 1,98,000. कुछ गड़बड़ हुआ है, जस्ट वेट. सेवन लाख थर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाय 205 यू गेट 5,40,000. Yes, अब ये सही है. तो ये था पॉलिश का वर्किंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड सिमिलर वर्किंग हैज टू बी डन फॉर वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स. कम ऑन, लेट्स डू इट. वेजेस, सॉरी, टिन्स का करते हैं पहले. Materials, tins. Tins के लिए क्या लिखा है? There is no difference in the cost of tins. मतलब जिस डब्बे में ब्लैक पॉलिश और ब्राउन पॉलिश को भरते हैं वो डब्बे का प्राइस तो सेम ही है. तो फिर से जो हम सोच रहे हैं दोनों का सेम है. मतलब एक डब्बा ब्लैक का ले लो और एक डब्बा ब्राउन का ले लो, कॉस्ट सेम ही है. अगर ब्लैक का एक रुपया कॉस्ट है तो ब्राउन का भी एक रुपया ही कॉस्ट है. देयर इज यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ टिन. बट ओवरऑल बेसिस पर देखो यार, ब्लैक का 15,00,000 टिन्स यूज किया है और ब्राउन का 5,00,000 टिन्स यूज किया है. तो ओवरऑल कॉस्टिंग तो ब्लैक का ही ज्यादा होगा, राइट? सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स. Come on, we multiply this by 15 lakhs, 5 lakhs, you get the total cost. What is the ratio? 15:5, that is 3:1. So tell me, what is the tin's cost? For tins cost of total कितना दिया है? 2,88,000. बोलो कितना जाएगा ब्लैक में और कितना ब्राउन में? 2,16,072,000. इस तरह तुम्हारा 2,88,000 का टोटल खर्चा डिवाइड हो जाएगा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फॉर टिन्स. अब आगे करते जाओ फॉर वेजेस. 244,800 टोटल है. थर्ड कॉस्ट वेजेस. वेजेस के लिए क्या दिया है? इफ यू रीड द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन आर 8% हायर देन दैट फॉर ब्लैक. यानी अगर मैं ऐसे सोचूं, ब्लैक का अगर 100 है, अज्यूम्ड है, अगर 100 है तो ब्राउन का 8% हायर
यानी 108 हुआ। पढ़िए जो मैंने सोचा है, फिर से ये सोचा है कॉस्ट पर यूनिट, मुझे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय टोटल यूनिट्स विच इज 15 लैक्स एंड 5 लैक्स। चलो मल्टीप्लाई करो और टोटल कॉस्ट निकालो। ₹1500 lakhs and ₹540 lakhs। इट इज 150:54, करेक्ट। वेजेस कितना है ऑफ रुपीज 244,800 इस रेशियो में। यू गेट 1,80,000 and 64,800 इस तरह वेजेस डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विथ डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विथ डायरेक्ट वेजेस, मतलब सेम रेशियो एज वेजेस। तो रेशियो क्या लेंगे, 150:54 सेम एज वेजेस, करेक्ट। तो चलो डिवाइड करो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है 367,200 इन दिस रेशियो। 367,200 डिवाइडेड बाय 204 इनटू 150, यू गेट 2,70,000 फॉर ब्लैक एंड 97,200 फॉर ब्राउन। तो दिस इज हाउ वी डिवाइड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आगे बढ़ते हैं, आखिरी खर्चा नंबर 5, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या दिया है, इसके बारे में लिखा है एडमिन एंड सेलिंग इज एब्जॉर्ब्ड एट यूनिफॉर्म रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड। मतलब एक टिन का ब्लैक का लो, एक टिन ब्राउन का लो, दोनों का एक यूनिट का एडमिन सेलिंग एक्सपेंस सेम होगा। एंड दिस एक्सपेंस इज इनकर्ड नॉट फॉर प्रोडक्शन क्वांटिटी, इट इज इनकर्ड फॉर द यूनिट्स दैट वी हैव सोल्ड, राइट। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो इसका 1 है तो इसका भी 1 है, बट हियर I always multiplied by production quantity, material में, wages में, production overheads में, क्योंकि वो खर्चे production quantity के लिए थे। पर ये admin and selling जो है वो sales units के लिए है, so I need to multiply by sales quantity, which is 14,40,000 tins of black and 6,00,000 tins for brown, right? तो बोलो कितना टोटल कॉस्ट आता है, 14,40,000, 6 lakhs, रेशियो इज 144 इज टू 60। सो कितना कॉस्ट है, 120 to 400 डिवाइड कर लो,
86,400 and 36,000. That's all about bifurcation. I hope you have understood this. तो चलो इसको वर्किंग नोट को एक और बार देख लेते हैं. मटीरियल कॉस्ट पॉलिश मटीरियल कॉस्ट पॉलिश 5,40,000 एंड 1,98,000 आया. टिन्स का कॉस्ट 2,16,000 एंड 72,000 आया. वेजेस का कॉस्ट 1,80,000 एंड 64,800 आया है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरा 2,70,000 एंड 97,200 आया है. एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा 86,400 और 36,000 आया है. राइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारे कॉस्ट. And now once we have got all the bifurcation, we are in position to make the cost sheet for the two products. Ye columnar cost sheet banega. Chalo banate hain. X and Y. Shoes Polish Company Limited. Cost sheet for black and brown polish for the year 2020. We put a dash. अब because production quantity, sales quantity दो दो है, हम you know कॉलम में ही लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट. इधर कितने कॉलम्स बनेंगे बता देती हूँ. ऑब्वियसली सबसे पहले पर्टिकुलर्स, टू मेन कॉलम्स ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश और आखिरी कॉलम होगा टोटल. अब ये तीन कॉलम्स बनाकर सबसे पहले प्रोडक्शन और सेल्स क्वांटिटी लिख लेते हैं. माय प्रोडक्शन क्वांटिटी इज 15,00,000, 5,00,000. सेल्स क्वांटिटी इज 14,40,000 एंड 6,00,000. इसका टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम जो ब्लैक पॉलिश और ब्राउन पॉलिश है वो कॉलम्स में दो सब कॉलम्स बना देंगे भाई, फॉर रुपीस एंड कॉस्ट पर यूनिट. रुपीस कॉस्ट पर यूनिट, रुपीस कॉस्ट पर यूनिट. सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी विद द फॉर्मेट? If yes, then let's start. A part is direct cost. उसमें सबसे पहले raw material consumed लिखते हैं और यहां पर सबसे पहले polish cost आएगा materials में, जो हम already calculate कर चुके हैं. Total है 7,38,000. उसका बाइफिकेशन हमने वर्किंग नोट टू में किया है. यू कैन सी दिस, इट इज 5,40,000 एंड 1,98,000. देन नेक्स्ट कॉस्ट इज टिन्स, टोटल इज 2,88,000.
जिसका बाइफिकेशन फिर से देख लो वर्किंग नोट वन में 2,16,72,000। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। द नेक्स्ट कॉस्ट इज वेजेस। हमारा टोटल कॉस्ट है वेजेस का 2,44,800, राइट। बाइफिकेशन ऑफ विच इज देयर इन द वर्किंग नोट 1,80,000 and 64,800. There is no direct expense. Iska total le lo, we get the total as prime cost. Total is 9,36,000. $3,34,800, 12,70,800. ये मिल गया प्राइम कॉस्ट। देन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। द टोटल इज 367,200। बाइफिकेशन 2,70,000 एंड 97,200। 2,70,000 एंड 97,200। इसके बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट। देन एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है नहीं, वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा भाई। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? टोटल 16,38,000। ब्लैक का, सॉरी ब्राउन का करते हैं पहले, 4,32,000। ब्लैक का है 12,06,000। सो दिस इज फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव गॉट। अभी एडजस्ट करेंगे हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक। वी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 48,000 है, ओके 48,000 है। उसका कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखा है इन द क्वेश्चन, 80.4 से लेना है। और ब्राउन का ओपनिंग स्टॉक 1,60,000 है, 0.864 से लेना है, राइट फ्रेंड्स, 0.864। तो कम ऑन मल्टीप्लाई 48,000 इनटू 0.804, यू गेट 38,592 एंड 1,60,000 इनटू 0.864, यू गेट 138,240। दिस अमाउंट्स आर टू बी एडेड, राइट फ्रेंड्स। Let's take the total of opening stock, 38,592 plus 138,240, you get 176,832. Iske baad we'll subtract closing stock of finished goods minus closing stock of finished goods minus closing stock of finished goods. Iske units humko already pata hai. क्वेश्चन में देख लो 1,08,000 यूनिट्स ब्लैक के और 60,000 यूनिट्स ब्राउन के। अब इसको कैसे वैल्यू करें, हाउ टू वैल्यू इट, ये हमने सीखा है। लेट मी टेक यू टू दैट एक्सप्लेनेशन। हमने ये देखा था एक्सप्लेनेशन, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक है
तो इट इज टू बी वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये सब में हमको प्रीवियस ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वॉज 0.804 एंड 0.864 दे रखा था, हमने ओपनिंग स्टॉक को उस तरह वैल्यू कर लिया. अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की. क्लोजिंग स्टॉक इज प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर, हम फीफो अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर वैल्यू करना होगा. करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना होगा. तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सी वी नो द टोटल, इट्स 12,06 एंड 4,32,000, पर हमको पर यूनिट चाहिए सो दैट वी कैन वैल्यू 1,08 एंड 60,000 यूनिट्स. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है 12,06,000, बट दिस इज फॉर टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस दैट इज 15 लैक्स, राइट? सो डिवाइड कर दो, यू गेट 0.804. आई रिपीट, 12,06,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी 15 लैक्स है, डिवाइड करने पर 0.804 आता है, यानी एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0.804 है. तो जो क्लोजिंग स्टॉक में 1,08,000 यूनिट्स है उनका क्या होगा? इनटू 1,08,000 यू गेट फ्रेंड्स, यू गेट 8,00,000 86,832. सिमिलरली वी हैव टू डू फॉर ब्राउन पॉलिश, टोटल है 4,32,000. ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरे 5,00,000 यूनिट्स के लिए है. एक यूनिट का आता है 0.864 मल्टीप्लाई बाय 60,000 यूनिट्स कर लो, यू गेट 51,840. What is the total of closing stock, friends? 138,672. तो ये रहा हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. अब हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Five 18,400. Total 16,76,160. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया. उसके बाद हमारा जो आखिरी खर्चा है दैट इज एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, जो हम ऑलरेडी बाइफिकेट कर चुके हैं इन द वर्किंग नोट नंबर 2. लेट्स राइट दैट अमाउंट, इट इज 86,436,000. टोटल आता है 122,400. वी एड दिस टू गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स. Come on, find out the value of cost of sales. $12,44,160.
5,54,400 17,98,560 दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें ऐड करें प्रॉफिट टू गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स. सेल्स रिटेलिंग एट, याद है फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, क्वेश्चन में देखो बेटा है. वी डूइंग क्वेश्चन नंबर फोर. इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में सेलिंग प्राइस दिया था 1.08 एंड 1.2. कम ऑन, गेट द वैल्यू ऑफ सेल्स. ₹15,55,200 प्रॉफिट भी ढूंढ लो इसी का. यू गेट 3,11,040 7,20,000 इज द वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर ब्राउन. ₹165,600 इज द प्रॉफिट. टोटल सेल्स निकाल लो. ₹22,75,200 ₹4,76,640 राइट. तो ये है हमारा प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज और कंपनी का, राइट. बाकी के पर यूनिट डिटेल्स तुम अपने आप निकाल लेना. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. और इसी के साथ जो हमारे कॉस्ट शीट में वैरायटी थी, राइट, जो हम करना चाहते थे वो खत्म हुई. ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि यार मैडम ने कोई स्ट्रेट वाला सम नहीं करवाया. तो यार ये जो हमने क्वेश्चन नंबर फोर किया वो सीधा वाला कॉस्ट शीट ही था, भले दो प्रोडक्ट का था बट सीधा वाला था. ओके, तो उसके साथ जो हमारा इजी पार्ट है वो भी मैनेज हो गया. ओके, तो कॉस्ट शीट के सम्स खत्म होते हैं. आगे हैं प्रैक्टिस सेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.